नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन विद आंसर। हमारा आज का टॉपिक होगा बियरिंग है। इसके बारे में हम टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि कोई भी टेक्निकल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप इसको अच्छे से समझेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है कि बॉल बियरिंग किस मटेरियल का बना होता है। तो बॉल बियरिंग जो है क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। हमारा आज के पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ क्रोमियम स्टील। बॉल बियरिंग क्रोमियम स्टील के बने होते हैं, ठीक है। फिर अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक गति और अधिक भार के लिए किस प्रकार के बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। अधिक गति और अधिक भार के लिए किस प्रकार के बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। तो ब्रोंज मेटेरियल ऐसा मेटेरियल होता है जिसका बेयरिंग ज्यादातर अधिक गति और अधिक भार के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियरिंग में संपर्क क्षेत्र कम होने के कारण क्या है। तो रोलर बियरिंग है, रोलर बियरिंग में जो है संपर्क क्षेत्र कम होने के कारण होते हैं, ठीक है। फिर अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां शाफ्ट सही से गमन नहीं हो रहा, मतलब जहां पे शाफ्ट सही से गमन नहीं करता है, तो उसमें किस प्रकार के बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर जहां शाफ्ट सही से गमन नहीं करता है तो वहां पर सेल्फ अलाइनमेंट बैरिंग प्रयोग किया जाता है। सॉरी, ये वायरिंग ना होके बैरिंग है। सेल्फ अलाइनमेंट बैरिंग वहां प्रयोग किया जाता है जहां पे शाफ्ट सही से गमन ना कर सके, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है कि सैल बियरिंग की अंदरूनी सतह किस मेटेरियल की बनी होती है। तो सैल बियरिंग होती है, बैरिंग के टाइप्स में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सैल बियरिंग है। तो इसके अंदरूनी सतह किस मेटेरियल के बने होते हैं। तो वह जो है व्हाइट मेटल या वेविट मेटल के बने होते हैं। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पे कि कम गति के लिए हमेशा प्रयोग किए जाने वाले बैरिंग कौन सा है। ये वायरिंग ना होकर बैरिंग है। कम गति के लिए हमेशा प्रयोग किए जाने वाले बैरिंग कौन सा है। तो ये जो है बुश बैरिंग है। बुश बैरिंग का प्रयोग जो है कम रोटेट होने वाले पार्ट्स में लगाए जाते हैं, बुश बैरिंग। फिर आगे चलते हैं कि बॉल बैरिंग में रोलर एलिमेंट में क्या होता है। बॉल बैरिंग होता है उसमें जो रोलर एलिमेंट होता है वह क्या होता है। तो बाल बैरिंग नाम से ही पता चल जाता है। तो रोलर एलिमेंट जो है बाल होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे दाने दाने गोल से होते हैं लोहे के। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैट आकार के बैरिंग किस मेटेरियल के बने होते हैं। यानी फ्लैट आकार के बैरिंग जो है उसके कौन से मेटेरियल के बने होते हैं। तो वह जो है कास्ट आयरन के बने होते हैं। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियरिंग किस स्थान पर फिट होते हैं। उस स्थान बैरिंग जिस स्थान पर फिट होते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। यानी बैरिंग जो है जहां पे फिट होते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो बैरिंग हाउसिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बड़े व्यास के शाफ्ट के लिए किस बैरिंग का प्रयोग किया जाता है। वैसे शाफ्ट जिसका व्यास बड़ा होता है तो उसके लिए किस प्रकार का बैरिंग प्रयोग किया जाता है। तो वह स्प्लिट या सेल बियरिंग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्प्लिट या सेल बियरिंग बड़े आकार के शाफ्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेयरिंग बाहर निकालने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बेयरिंग बाहर निकालने के लिए जो टूल उपयोग किया जाता है उसे बैरिंग पुलर कहते हैं, ठीक है। बैरिंग पुलर होता है, बैरिंग पुलर और पुली पुलर, इनके बारे में हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये जो है बैरिंग पुलर होगा। बैरिंग बाहर निकालने के लिए बैरिंग पुलर का उपयोग किया जाता है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल बेयरिंग का बोर साइज किससे निकाला जाता है। बाल बेयरिंग का जो है बोर साइज वह इनर रेस के द्वारा निकाला जाता है। यह जो है इनर रेस, आउटर रेस, वाल, ये बाल बैरिंग के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बहुत ही शुद्ध एवं तंग स्थानों के लिए किस प्रकार के बैरिंग प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए, यह क्वेश्चन है कि बहुत ही शुद्ध एवं तंग स्थानों के लिए किस प्रकार के बैरिंग प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीडल रोलर बैरिंग। ये रोलर बैरिंग है लेकिन यह नीडल यानी छोटा साइज में होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट बेबिट मेटल बैरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बेबिट मेटल है और इस प्रकार के मेटल के बने बैरिंग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारी काम के लिए। यानी भारी काम के लिए जब भी हमें हेवी लोड ड्यूटी करनी होती है तो उसके लिए बेबिट मेटल का बैरिंग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि टेपर रोलर बेयरिंग एक प्रकार का बैरिंग है। मतलब टेपर रोलर बेयरिंग किस प्रकार का एक बैरिंग है। तो यह जो है एंड थ्रस्ट बैरिंग है। एंड थ्रस्ट बैरिंग जो है यह टेपर रोलर बैरिंग को हम एंड थ्रस्ट बैरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोलर बियरिंग एक बैरिंग है, मतलब रोलर बियरिंग एक किस प्रकार का बैरिंग है। तो यह एंटी फ्रिक्शनल बैरिंग है। रोलर बियरिंग एक एंटी फ्रिक्शनल बैरिंग है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाफ बैरिंग का दूसरा नाम क्या है। हाफ बैरिंग का दूसरा नाम क्या है। तो हाफ बैरिंग का दूसरा नाम सैल बैरिंग है, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम है तो इसलिए हिंदी अच्छे से समझेंगे आप, शब्दों पे ध्यान देंगे। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे
कि उच्च ताप पर चलाए जाने वाले बैरिंग किस धातु के बने होते हैं। उच्च ताप पर चलाए जाने वाले बैरिंग किस धातु के बने होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर के लिए जो बैरिंग होते हैं वह किस मेटल के बने होते हैं। तो कैडियम, कैडमियम बेस्ड अलॉय के, यानी कैडियम कैडमियम बेस्ड अलॉय जो होता है, इसके जो बैरिंग बने होते हैं वह उच्च ताप पर चलाए जाते हैं। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। हेवी लोड जैसे टर्बाइन और विद्युत मोटर में प्रयोग किए जाने वाले बैरिंग किस मेटेरियल के बने होते हैं। हेवी लोड जैसे टर्बाइन और विद्युत मोटर में प्रयोग किए जाने वाले बैरिंग किस मेटेरियल के बने होते हैं। तो यह जो मेटेरियल होते हैं वह कापर लेड अलाय के बने होते हैं, यानी कापर लेड अलाय जो होता है उस मेटेरियल के जो बैरिंग बने होते हैं वह हैवी लोड और जैसे टर्बाइन और विद्युत मोटर में प्रयोग किए जाते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने बताया कि टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरिंग से क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि थर्मल कंडक्टिविटी हायर लोड में प्रयोग होने वाले बैरिंग किस धातु के बने होते हैं, किस मेटेरियल के बने होते हैं जो थर्मल कंडक्टिविटी यानी हायर लोड में प्रयोग किए जाते हैं। तो यह जो है एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बैरिंग से है, और यह काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेक्निकल कम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बताया आप इसको अच्छे से देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।